और चलिए अब बात कर लेते हैं अस्पतालों के हाल की। अस्पतालों में नाकाफी इंतजाम, ये बता रहे हैं कि संज्ञान हादसों के बाद ही लिया जाता है। हर शहर के जिला अस्पताल में लापरवाही है, कहीं थोड़ी कम है तो कहीं थोड़ी ज्यादा है। गाजीपुर के बहशी विश्वामित्र राजकीय स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज को देख लीजिए। फायर व्यवस्था को लेकर एसडीएम हर्षिता तिवारी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी भारतेंदु जोशी ने जांच की। जांच के दौरान फायर सर्विस का 90% कार्य पूरा मिला, 10% की कमियां मिली। हम लोगों को निर्देश मिले और सभी जिलों में जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो आपके पीएचसी सीएससी, जहां पर भी इस तरह की घटना होने की संभावना है वहां पे औचक निरीक्षण किया जा रहा है। और उसी के क्रम में आज हम लोग महिला अस्पताल में इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ सीएफओ साहब भी और वाइस प्रिंसिपल साहब मेडिकल कॉलेज गाजीपुर भी हैं। हमने ये बिल्डिंग काफ़ी नई बनी हुई है और उस जो एसओपी इसका है उसमें हमने सीएफओ साहब के साथ जाँच की है, उसमें काफी 90% बिंदुओं पर ये ठीक पाया गया है। थोड़ी बहुत एक दो कमियां हैं, जैसे ट्रेनिंग की यहाँ के स्टाफ की, जो कि नई बिल्डिंग है और स्टाफ भी बदला है, तो उसको लेकर के वार्ता हुई है और जल्दी उनका प्रशिक्षण यहाँ पे करा दिया। सीतापुर के जिला अस्पताल में स्थित एनआरसी वार्ड का जी मीडिया ने रियलिटी चेक किया। इस रियलिटी चेक में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 14 मार्च 2024 को एनआरसी वार्ड का उद्घाटन किया गया था, जिसके बाद से आज तक इस वार्ड में एक भी अग्निशमन यंत्र नहीं लगा है। अगर कोई आग लगने की दुर्घटना हो जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। झांसी में अग्निकांड के बाद हम मौजूद है सीतापुर के जिला अस्पताल में, जहां पर एनआरसी वार्ड जो बच्चों का वार्ड है स्थित है। चलते हैं इसमें देख लेते हैं कि क्या सुविधाएं हैं। नया वार्ड बनाया गया है, हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अभी कुछ ही महीनों पहले यहां पर 14 मार्च 2024 को उद्घाटन करके गए थे। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एनआरसी वार्ड है जहाँ पर बच्चों को एडमिट किया जाता है। फिलहाल इस वार्ड में आप देख सकते हैं 2 ही बच्चे एडमिट हैं, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही सरकारी तंत्र की यही है। दिखाना चाहेंगे कहीं पर भी अग्निशमन यंत्र नहीं लगा हुआ है। अगर कोई हादसा हो जाए तो कैसे बचा जाएगा। झांसी अग्निकांड के बाद 10 बच्चों की मौत के बाद भी आप देख सकते हैं सीतापुर में किसी भी तरह का चिल्ड्रन वार्ड में अच्छे इंतजाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सिस्टर का यही कहना है कि अभी यहाँ दूसरी जगह चल रहा था और यहाँ शिफ्टिंग हुई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नई बिल्डिंग बन के तैयार हुई और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसका उद्घाटन किया, लेकिन सुविधाएं नहीं है। वहीं सहारनपुर के जिला अस्पताल में जी मीडिया की टीम पहुंची और अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में 2 भागों में इसे बांटा गया है। एक एनआरसी जहां पर गंभीर बच्चों को रखा जाता है, तो दूसरा सामान्य वार्ड है जहां हल्की फुल्की बीमारी के चलते बच्चों को रखा जाता है। आग से निपटने की अगर बात करें तो यहां पर आग से निपटने के लिए सभी सिस्टम मौजूद है। ये बच्चा वार्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों का इलाज किया जाता है, बच्चे भर्ती किए जाते हैं। इस वार्ड को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक तो जो अधिक कमजोर बच्चे हैं उनके लिए और एक वो जो कि केवल बीमार है, ज्यादा गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों का इलाज किया जाता है सहारनपुर के। अगर हम बात करें कि यहाँ पर फायर से निपटने के लिए क्या सिस्टम है, तो आप देख सकते हैं जो ये पाइपलाइन जा रही है ये पूरा फायर का सिस्टम लगा हुआ है कि अचानक यदि यहां पर आग लग जाए तो यहां पर उससे निपटने के लिए पूरी तरह से सभी अग्निशमन यंत्र मौजूद हैं। आप देख सकते हैं फायर के लिए यहाँ पर पूरी पाइपलाइन बिछाई हुई है, वही इसको सिलेंडर भी यहाँ पर है जिससे आग पर काबू पाया जा सकता है। आप देख सकते हैं पूरा मुस्तैद है यहाँ पर फायर का सिस्टम और आज फायर ब्रिगेड के अधिकारी और उनकी टीम ने यहाँ पहुंचकर इस सिस्टम का निरीक्षण भी किया ताकि पता चल सके कि ये सिस्टम पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से दुरुस्त है और समस्या होने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
वहीं जी मीडिया की टीम फतेहपुर पहुंची और जिला अस्पताल का रियलिटी चेक किया। वहीं रियलिटी चेक में पाया गया कि झांसी अग्निकांड के बाद जिला अस्पताल प्रशासन चौकन्ना हो गया है। अस्पताल प्रशासन ने फायर के 80 खाली सिलेंडर्स को रिफिल कराकर व्यवस्था को चाक चौबंद करना शुरू कर दिया है। एंट्री और एग्जिट अभी सवेरे पूरी चेक की है और जहां जहां रास्ते में कोई अवरोध है उनको क्लियर कराया गया है और जहां जहां सिलेंडर की कमी है तो हमने अभी जो है 80 सिलेंडर रिफिल कराए हैं बड़े वाले और हमारे पास स्टोर में मौजूद है तो उनको जहां कमी है वहां बढ़ाएंगे और इस तरह की जो भी सुरक्षा मानक है उनको पूरा कराएंगे।